and welcome to Finforall by Jupiter. My name is Dipanshu Dhingra and today we are going to discuss how cities think. शायद आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा कि पिछले 2 सालों से पैंडेमिक चल रहा है, तो कोरोना वायरस के चलते घर बैठे बैठे लोगों का वजन, इंस्टाग्राम पे कुकिंग वीडियोस और फाइनेंसेस में काफी ड्रास्टिक बदलाव आया है। थिएटर्स बंद हो गए, ऑफिस स्पेसेस खाली हो गए, स्काइप के होते होते भी जूम पे लोग मीटिंग्स करने लगे। सीरियसली, कहाँ से आया जूम? स्काइप पे तो वीडियो कॉल्स होते थे। केस स्टडी तो इस कंपनी की होनी चाहिए। अब ये इन्फॉर्मेशन नई तो है नहीं कि टीवी से ज्यादा लोग अब OTT की तरफ जा रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग ज्यादा हो रही हैं, लेकिन द नंबर्स माइट सरप्राइज यू। सारे OTT प्लेटफॉर्म्स में अपवर्ड्स ऑफ 100% तक का ग्रोथ हुआ है। Zee5 की 200% तक की ग्रोथ हुई है इस टाइम पीरियड में। ऑनलाइन शॉपिंग, US की ई-कॉमर्स इंडस्ट्री 219 बिलियन से बढ़ गई है 2 सालों में, इंक्रीजिंग एट 14.5%। ये US मार्केट के लिए बहुत बड़ा परसेंटेज है। उनकी GDP हर साल 2 से 3% ही बढ़ती है क्योंकि उनका बेस ऑलरेडी बड़ा है। रियल एस्टेट मार्केट्स बड़ी सिटीज में गिर गई हैं क्योंकि अगर वर्क फ्रॉम होम ही करना है तो मम्मी पापा के घर सस्ता वाईफाई लगा के मुफ्त का खाना मिल जाएगा, वो भी बिना रेंट दिए। हाँ, लेकिन बदले में बेटा शादी कब कर रहे हो खेलना पड़ेगा। बट लेट्स फोकस ऑन द सेविंग्स हियर। फेसबुक ने मेटावर्स की बात की। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप वर्चुअल रियलिटी में जी सकते हो। यस सर, या सर, सॉरी सर, आई कांट, हेलो आई कैन हियर यू सर, आई कैन सर, आई कांट सर, हेलो सर, आई कैन हियर यू सर, यस Obviously, हम completely online होने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन वो दिन ज़्यादा दूर नहीं लग रहा है अब। दुनिया की इकोनॉमीज़ को डिजिटल शॉक मिला है पैंडेमिक से। कंज्यूमर्स जिन्होंने कभी ऑनलाइन पेमेंट्स नहीं की थी, शॉपिंग नहीं की थी, अब करने लगे हैं। McKinsey की रिपोर्ट्स के हिसाब से 96% लोगों ने अपने शॉपिंग बिहेवियर्स बदल दिए हैं और उनमें से 70 to 80% अब ऐसे ही शॉपिंग करेंगे। जिन कंट्रीज में पैंडेमिक का इकोनॉमिक इम्पैक्ट कम था, वहाँ ये चेंज इन बिहेवियर ज़्यादा नहीं दिखा। अब आगे जाते जाते वर्किंग रिमोटली माइट बिकम द नॉर्म, एंड इफ इट डज, सिटीज का क्या? मतलब किसी भी सिटी में पॉपुलेशन ज्यादा इसलिए रहती है क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अगर सब काम घर से होने लगे तो लोग गुड़गांव, अंधेरी में क्यों, गोवा, मालदीव्स में नहीं रहने लगेंगे। फाइनेंशियली एक बड़ा बदलाव ये हुआ है कि अब लोगों के पास सेविंग्स में पहले से ज्यादा पैसे आ गए हैं ड्यू टू लैक ऑफ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। अब जब थिएटर्स, रेस्टोरेंट्स, मॉल सब कुछ बंद है तो खर्चा करोगे किधर? Due to this, according to a report from The Economist, when they studied 21 richest countries, they found that if the pandemic had not happened, then people would have had around $3 trillion in savings. लेकिन अब उनके पास हैं $6 trillion। 2 साल में पैसा डबल। बट इसका मतलब ये नहीं है कि लॉकडाउन हटाने से या पैंडेमिक खत्म होने से खर्चा डबल हो जाएगा, क्योंकि पैंडेमिक में फाइनेंशियल हिट भी सबके लिए सेम नहीं था। The wealthier sections of the society were more likely to retain their jobs and work from home, etc. ये पैसे उनके पास इसलिए रह गए क्योंकि वो हॉलीडेज पे जाना, महंगे रेस्टोरेंट्स में जाना छोड़ चुके थे। इस सब में इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल है। जिन लोगों के पास इंटरनेट और फोन्स, टैबलेट्स या लैपटॉप्स का एक्सेस है, उनके लिए स्कूल जाना, काम करना सब कुछ काफ़ी आसान है कंपेयर टू दोज पीपल हु डू नॉट हैव दीज थिंग्स। जॉब सिक्योरिटी, पे लेटर स्कीम्स, लो इंटरेस्ट लोन्स के सर्चेस 53, 38 और 30% से बढ़ गए, क्लियरली इंडिकेटिंग द फाइनेंशियल स्ट्रेस दैट अनएम्प्लॉयमेंट हैज कॉज्ड। It's not all bad news. Retail investors' interest in the Indian securities market has seen a significant increase. 2.21 crore individual DMAT accounts खोले गए हैं between April and November 2021. Increase in DMAT accounts means an increase in the money being invested in the stock market, helping push the economy up. अब इस सब में रशिया is put in a lot of problems. Market recently थोड़ी uncertain जरूर हो रही है, लेकिन over the last 2 years the trend has been up. Bottom line is, the pandemic did not just make rich people richer or poor people poorer, वो तो वैसे भी होता ही है, but it made the differences bigger and more obvious. कुछ लोगों ने अपने पैसे ट्रैवल में खर्च करने की जगह सेव कर लिए और कुछ लोगों को घर वापस पैदल जाना पड़ा, लेकिन एक्सपर्ट एडवाइस ऑन फाइनेंसेस रिमेंस द सेम। बेटा FD में डालो, SIP कर लो, पैसे डालो और भूल जाओ, सालों बाद देखोगे ना तो पैसे बहुत सारे मिलेंगे। You can just do the basics and be fine, but अगर आपको अपने फाइनेंसेस को मैक्सिमाइज करना है तो सीख फाइनेंशियल एडवाइस। The numbers say Western countries are moving towards becoming savers than spenders. हमें इंडिया में ऐसा लगता है कि वहाँ के लोग 100 कमाते हैं और 90 खर्चा करते हैं, लेकिन ये भी अब धीरे धीरे बदल रहा है। Exciting times are ahead. The more you learn, the better prepared you will be for all outcomes. For more such videos, subscribe to our channel, hit that like button and tell us in the comment section what would you like to know more in the fascinating world of money.